का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए हमारे संवाददाता अनिल एरन की एक खास रिपोर्ट। माउंट आबू में जिस प्रकार से लगातार तापमान गिरा हुआ है, गुरु शिखर पर -5.4 था, उसी प्रकार से अगर माउंट आबू की बात करें तो शहर के तापमान 3.4 जा चुका है। लगातार पिछले दो दिनों से सर्दी पड़ रही है। तो सुबह के समय पे देखा जाए तो यहाँ पे बर्फ की चादर उड़ी जाती है, फिर भी पर्यटकों का जो है रुझान माउंट आबू की ओर लगातार जारी है। हम पर्यटकों से नक्की लेक पे बात करना चाहेंगे। आप बताइए कि आप कहाँ से आए? हम बॉम्बे से आए हैं और माउंट आबू घूमने के लिए आ जाए हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है और अच्छी ठंड पड़ रही है, पर मजा आ रहा है बहुत। ठंड के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है लोगों को व्यंजनों का, खाने पीने का काफी रुझान और पर्यटन स्थलों पे जो है घूमने का मजा आता है, क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कि अभी खड़े हैं उसके सामने मेरे को सब एकदम गर्मा गर्म खाने की चीजें दिख रही हैं, तो एकदम वो टेम्पटिंग हो रहा है खाने के लिए, क्योंकि मौसम भी ठंडा है तो ऐसे गर्म गर्म चीजें खाने का बहुत मन हो रहा है। हाँ, आप बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं? करोना के बाद तो अब ये ठंडा मौसम देख के बहुत आनंद आ रहा है कि एकदम माइनस के टेम्परेचर में घूमने का मजा ही कुछ और रहता है। खाने पीने के लिए इधर पर बहुत अच्छी सुविधाएं भी हैं। नक्की लेक पे घूमने आए हैं, अभी का ठंड कैसी लग रही है आपको? अभी बहुत अच्छी लग रही है। आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली जो टेम्परेचर का बात करें ना, तो हम लोग इसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे हमको ठंडी का जो मजा आता है हम लोग वहाँ यह एंजॉय नहीं कर पाते, तो बेस्ट है सीजन मेरे को लगता है यहाँ पे घूमने के लिए। माउंट आबू में ठंड का जो मौसम है, जिस प्रकार से बॉम्बे से आप घूमने आए हैं और वहाँ पे इस प्रकार की ठंड नहीं मिलती है, और माइनस टेम्परेचर अगर देखें माउंट आबू का तो जिस प्रकार से दो दिन से लगातार 3 डिग्री से नीचे जा रहा है, आज भी तापमान 3.4 रहा है, तो पर्यटकों को कहीं ना कहीं इस सर्दी का भी मजा आ रहा है। कैमरा पर्सन करण के साथ अनिल एरन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू से। देसूरे में राण कपूर जवाई महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ है, जहां